वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद कनिका। सो कैसा लग रहा है आज का मेरा मेकअप लुक? ये स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए मैंने क्रिएट किया है क्योंकि उनका फेस्टिवल करवा चौथ बहुत नज़दीक है। 2 दिन बाद करवा चौथ है तो उसके लिए मैंने मिनिमम ज्वेलरी के साथ मिनिमम मेकअप किया है। सो कैसा लग रहा है आपको लुक? आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप घर में बैठे बैठे अपना मेकअप कर सकते हैं और थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन सकते हैं क्योंकि आपने कहीं बाहर नहीं जाना इस करवा चौथ पे, इस फेस्टिवल में तो खासकर ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं है। सो क्यों ना खुद ही अपने आप को सजा लिया जाए। सो उसके लिए मैंने आज ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। आप बिंदी देखते एकदम पॉइंटेड बिंदी है। सो बहुत डिसेंट एंड एलिगेंट लुक लगता है जैसे कि आप सब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्राइमर से, वो है वाव का स्किन साइंस का एलोवेरा जेल। एज अ प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ। फिर मैं यूज़ करूँगी क्रायलोन का बेस और ये छोटा वाला बेस है जो 400 का आता है, उसको मैं अच्छे से अपने आईलेट्स पे लगाऊंगी। अपने आईब्रोज को शार्पन करने के लिए पहले आईब्रोज के नीचे, आईब्रोज के ऊपर, फिर अपने फुल फेस पे एक ब्लेंड ब्रश से हम अपने फुल फेस पे इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो आपको अच्छे से स्प्रेड करना है, सारे स्पॉट्स पे लगाना है, सारे पिंपल्स पे लगाना है, रेडनेस पे लगाना है और अपनी नेक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नेक पे भी लगाना है और इसको काबू की ब्रश से ब्लेंड करते जाना है। देखिए मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, डैप डैप करके आपको ब्लेंड करना है। पहले आईज एरिया का ब्लेंड करेंगे, नीचे का ऊपर का, बिकॉज आपको ब्लेंडिंग इसलिए पहले आईज की करनी होती है क्योंकि कोई क्रीज बन जाती है वहाँ पर, तो वो क्रीज लाइंस बन जाती हैं, वो सही नहीं रहती। तो पहले अपने आईज का कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम मेबलिन का सुपर स्टे का कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। इसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे, पहले आईज से लेके फिर फुल फेस पे लगाएंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे अपना डार्क ब्राउन कलर, कोई भी आई शेडो पैलेट का यूज़ कर सकते हैं आप। उससे हम अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से डिफाइन करेंगे, आईब्रोज़ बनाएंगे। अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं, आईब्रो पेंसिल, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं पाउडर में काफ़ी कम्फर्ट लेवल फील करती हूँ इसलिए मैं कोई भी आई शेडो पैलेट से डार्क ब्राउन कलर का लगाती हूँ। सो अब आप देख सकते हैं ये एंगल्ड ब्रश है, उससे मैंने किया है। अभी ये मैं स्पूली से अच्छे से इसको क्या कहते हैं ग्रूम कर लूँगी, अच्छे से कॉम आउट कर लूँगी जिससे जितना भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाए और कुछ भी पैची ना लगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे अपने फेस के लिए SFR का पैलेट, आप देख सकते हैं। उसमें हम मैं पहले कंटूर लूँगी, आपको ब्लश ऑन या पहले ब्रश ऑन या ब्राउज़र नहीं यूज़ करना, कंटूर यूज़ कीजिए, आप लोगों का दिन है। कंटूरिंग बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो एकदम स्लिम और डिफाइंड नज़र आता है और आज के दिन आपको एकदम डिफाइन ही करना चाहिए क्योंकि हैवी ज्वेलरी होती है, चमक धमक वाली ज्वेलरी होती है, कुछ लोग एकदम चोकर टाइप भी पहनते हैं। सो आपको हो सके तो आप कंटूर कीजिए ब्राउजिंग की जगह, तो कंटूर पर पाउडर कंटूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आप देख सकते हैं चीक्स पे करेंगे, फॉरहेड पे करेंगे, नोज़ पे करेंगे और अपनी चिन एरिया पे, अपनी डबल चिन पे करेंगे बेसिकली। नेक्स्ट हम लेंगे ये है मेरा आईलाइनर कम लिप लाइनर। सो ये मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी, मेरे पीच और गोल्डन कलर का सूट है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि पीच कलर का मैं मोटा मोटा सा लाइनर की तरह लगाऊंगी और फिर इसको एकदम स्लिम फ्लैट ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। अब देखिए आप एकदम लाइनर की तरह मोटा मोटा लगाइए, अब इसको मैं इस ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी जिससे जो हार्श लाइन है वो नहीं रहेगी और नीचे आपको एकदम पीची लुक आएगा, ठीक है। तो मतलब जो आपके सूट का कलर है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप क्या कहते हैं आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे को इसी तरीके का बेस चाहिए था इसलिए मैंने इसको एज अ बेस यूज़ करा। देखिए अब मैं इसके ऊपर गोल्डन यूज़ करूँगी जो मिड एरिया से लेके आउटर लिड तक जाएगा।
आप देखिए इनर लिड में नहीं लगाना, इनर कॉर्नर्स पे नहीं लगाना, आउटर कॉर्नर्स पे लगाना है, और मिड अपने आई लिड की मिड लिड से लगाना स्टार्ट करके आउटर कॉर्नर्स तक लगाना है आपको। मैंने इनर कॉर्नर्स पे नहीं लगाया और मैं थोड़ा डार्किन छोड़ दिया। उसके बाद हम स्किन कलर और लाइट ब्राउन कलर लेके हम अपनी क्रीज से दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर देंगे। आप देख सकते हैं, आप देखिए कितना ब्लेंडेड लुक लगेगा और बहुत बहुत नेचुरल भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ये लुक। आप देखिए इसको हमने अच्छे से ब्लेंड करते जाना है, दोनों कलर्स को लेके दोनों आईज पे अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट जब मैं आपको अपना आई लुक दिखा रही हूँ कि कैसा टर्न आउट हुआ है, और बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है। वही गोल्डन कलर और कॉपर कलर उसके साथ में है, वो दोनों लेके हम अपनी आईब्रोज के नीचे लगाएंगे, हाईलाइट करेंगे अपने हाई पॉइंट्स को। और फिर हम लेंगे लाइनर, ये ओरिफ्लेम का लाइनर है, इसको हम अच्छे से लगा लेंगे। आपने जैसा आपको काफ़ी लॉन्ग विंग चाहिए तो आप लॉन्ग विंग लगा सकते हैं, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट लगा सकते हैं। सो मुझे बिल्कुल लिटिल सा विंग चाहिए था तो मैंने बहुत लिटिल विंग लगाया। आप देख सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत बड़े बड़े विंग्स अच्छे नहीं लगते, जो लोग बहुत विंग लगाते हैं, बिग विंग्स लगाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब देखें, अब हम मेबेलिन का हाइपरकल मस्कारा है ये हमारा, वो यूज़ करेंगे। ये बहुत अच्छा मस्कारा है, वॉल्यूमनाइज मस्कारा है। सो आप देख सकते हैं वाटरप्रूफ है। सो इसको मैं अपने लैशेस पे लगा, दो कोड लगाए हैं मैंने क्योंकि मैंने फेक लैशेस नहीं लगाए और वो मैं ज़्यादातर नहीं लगाती। हमेशा शादी फंक्शंस पे ही आई थिंक फेक लैशेस लगानी चाहिए, सो दैट्स वाई मैंने इसी के ही दो कोट लगा लिए। अब हम ब्लश ऑन लगाएंगे, और SFR पैलेट, ये वाली पैलेट का मीन्स ब्लश ऑन बहुत, ये बहुत पिगमेंटेड है तो, और ये पिंक कलर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत हल्के हाथ से लगाया। अब हम अपने टेयर डक पे लगाएंगे, वी वेट एंड वाइल्ड का पैलेट है, उससे मैंने गोल्डन शेड लिया है। इससे हम हाईलाइट करेंगे अपनी टेयर डक, अपनी टिप ऑफ द नोज़ और अपनी चिक एरिया, अपना अपने लिप्स के ऊपर और अपनी चिन एरिया और अपने फॉरहेड को भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ये गोल्डन कलर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। अब मैं ये ऑरेंजेस, ये शियोन पैलेट का मेरे ऑरेंज गोल्डन कलर है, उसको मैं अपने आईज़ के नीचे लगाऊंगी, ये देखिए, इसी ब्रश से जिससे मैंने अपनी आईलाइट का पीच कलर ब्लेंड किया था, और अब मैं पेंसिल ब्रश से उसको ब्लेंड आउट कर दूंगी। तो बहुत अच्छा सा इफ़ेक्ट आएगा, नीचे भी पीच, ऊपर भी पीच। अब उसी लिप लाइनर से और आई लाइनर से मैं पीच कलर का काजल क्रिएट करूंगी, जो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे रेवोल्यूशन की लिपस्टिक, जो कि बहुत अच्छी है, मैरून रेडिश शेड है, बहुत अच्छा है। पता ही नहीं चलता हमने कोई लिपस्टिक लगाई, इतनी सॉफ्ट और ग्लॉसी फिनिश देती है, पर आपको लिप्स पे ज़रा भी फील नहीं होता कि आपने ये कोई लिपस्टिक भी लगाई हुई है, ऐसा लगता है जैसे आपने लिप बाम लगाया हुआ है। और मेकअप स्टार्ट होने से वैसलीन ज़रूर या अपना कोई लिप बाम ज़रूर लगा लीजिए। ये देखिए, अब लिपस्टिक हो गई डन, हमारा लुक भी हो गया डन। अब हम लगाएंगे बिंदी और हम डालेंगे एसेसरी। अब थोड़े से आप मेरे पोज देख लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है आपको मेकअप दिखाना। अब मैंने छोटी सी टाइनी माइनी सी बिंदी लगाई है, और मैंने ये नेकलेस पहना है, इसी के साथ का नेकलेस है, ये मेरी बुआ लाई है। तो इस मेकअप लुक को होप यू लाइक इट। सो अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स लॉट टू मी। और आप इसको ज़रूर अपने फेस्टिवल में क्रिएट कीजिएगा, चाहे तो आप नॉर्मल भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो आप करवा चौथ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फेस्टिव, चाहे आप पार्टी वेयर मेकअप लुक में